नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, बुराड़ी इलाके में स्कूल के कैब चालक ने पैसे के लालच में अपने दोस्त नीरज की हत्या कर दी। आरोपी ने दोस्त को पहले शराब पिलाई और नशे में होने के बाद उसके सिर पर सीमेंट के बिम से हमला कर दिया, फिर पैसे लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने पहले सड़क हादसे का मामला दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद करीब 100 सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद आरोपी की पहचान और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान सदनगर बुराड़ी निवासी लव के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2500 रुपये, मोबाइल, खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के रजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग में मंगलवार रात कई राउंड गोलीबारी हुई है। इसमें एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने आपसी रंजिश में गोलीबारी की आशंका जताई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ भी कर रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी दिल्ली में बीते वर्ष की तरह वर्षा हुई तो हालत पिछले वर्ष से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि नालों की सफाई करने के लिए तय हुई 2 समय सीमा पार होने के बाद भी निगम को 100% कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, शिक्षा निदेशालय ने बायोमेट्रिक और फोटो मैच नहीं होने के आधार पर सरकारी स्कूलों से बर्खास्त किए गए 5 शिक्षकों की फिर से बहाली कर दी है। निदेशालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए सरकारी स्कूलों में साल 2019 में विभिन्न पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की थी। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के साथ ही इन दिनों एनसीआर में भी भीषण गर्मी जारी है। आईएमडी की माने तो अगले 3 से 4 दिनों के भीतर राजधानी में बारिश की संभावना है। गाजियाबाद जिले में मंगलवार को भी गर्मी सितम जारी है। बीते 2 हफ्ते से 1 दिन के लिए भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। लू के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।